भगवान बड़ी सफलता देते हैं। अगर आप दूसरों से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता भी दूसरों से ज्यादा होने वाली है। आप कुछ समय बाद ऐसा जीवन जीने वाले हैं जिसका आपने अपने चलिए चले बेटा शुरू करते हैं। धीरे धीरे बच्चे अपने आप आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। एक घंटे का टारगेट है, उस एक घंटे के टारगेट के अंदर अपने जितने भी ट्रीटमेंट है उन ट्रीटमेंट को खत्म करते हैं और एडमिशन वाले चैप्टर का थोड़ा सा बेस बना के चलेंगे। बीच बीच में बातें गुडविल की और चेंजिंग पेसर की भी करता रहूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो एडमिशन है, लेकिन आपको पता है कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पेसर, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पेसर, ये जो चारों चैप्टर है ना आपके, ये एक ही तारीख चट्टे पट्टे जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बस इतना समझ लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पुनर्निर्माण, रिफॉर्मेशन ऑफ फर्म, फर्म को दोबारा बनाना। रिफॉर्मेशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि आपका ओल्ड रेशियो खत्म होकर क्या बनता है, न्यू रेशियो। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पेसर में, चारों में क्या होता है, ओल्ड रेशियो खत्म होता है और न्यू रेशियो बन के तैयार हो जाता है। ओल्ड रेशियो खत्म होता है और न्यू रेशियो बन के तैयार हो जाता है। बात क्लियर होगी, नहीं होगी? चारों में होता है। एडमिशन में पार्टनर आ जाते हैं, रिटायरमेंट में पार्टनर घट जाते हैं, चेंज इन पेसर में ना तो कोई आता ना कोई जाता, लेकिन उनके बीच का रेशियो चेंज हो जाता। बात क्लियर होगी, नहीं होगी? इसमें क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्लियर है या नहीं है? अब इसमें हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर एमसीक्यू सेक्शन 31 में डिफाइन करा गया है। सेक्शन 31 एमसीक्यू, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में एडमिशन को डिफाइन करा गया है। बेटा आवाज नहीं चाहिए किसी की भी, पढ़ा रहा हूं उससे बोल रहा हूं। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, एडमिशन का मतलब होता है जब घर के अंदर बहू रानी का आ जाना, घर के अंदर बहू रानी का प्रवेश होना, माँ और बेटे रहते थे, बहू आ गई घर के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिशन कहते हैं। जो नया वाला पार्टनर आ रहा होता है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में पिंकी है, तो नए वाले पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, और जो पहले से थे उन्हें बोलते हैं ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। इनके बीच में होता है ओल्ड रेशियो और इन तीनों के बीच में बनेगा न्यू रेशियो, क्लियर ही नहीं है? पहले प्रॉफिट बढ़ता था इन दोनों में, अब बढ़ेगा इन तीनों में। जब नया वाला पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसे क्या दिया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं कि प्रॉफिट इन शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब राइट टू शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अंदर इसे हिस्सेदारी मिलेगी और फर्म की एसेट के अंदर भी हिस्सेदारी मिलेगी। कॉमन सेंस लगाना मेरे बेटा जी, अगर प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी है तो लॉस के अंदर ऑटोमेटिक हिस्सेदारी मिलेगी, अगर एसेट के अंदर हिस्सेदारी है तो लायबिलिटी के अंदर भी हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी। बात क्लियर होगी, नहीं होगी? एक नया वाला पार्टनर फर्म के अंदर कब आ सकता है, एमसीक्यू, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पुराने सारे पार्टनर एग्री करेंगे तब पार्टनर एडमिट हो सकता है, जब पुराने सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी पार्टनर एडमिट हो सकता है, अदरवाइज एडमिट नहीं हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्लियर ही नहीं है? देखो, जब नया वाला पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नया वाला पार्टनर फर्म के अंदर क्या क्या लेकर आएगा, तो वो दो अमाउंट, टू अमाउंट मस्ट ब्रॉट, वो दो अमाउंट लेकर आता है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्यों लगाता है, क्योंकि वो फर्म का पार्टनर बन गया, मालिक बन गया, तो फर्म के अंदर धंधे के अंदर मालिक बन के क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा। धंधे के अंदर क्या लगाएगा मेरे बच्चे, पैसा लगाएगा। और दूसरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्या बेटा जी, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम लगाने वाला है, मतलब प्रीमियम का मतलब है कंपनसेटिंग अमाउंट। जहां इस नए वाले पार्टनर के लिए किसी भी पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा होगा, किसी भी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा, तो इसे माह माह क्या देना पड़ेगा, कंपनसेटिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। खाली प्रीमियम, मतलब प्रीमियम की अमाउंट देनी पड़ेगी, खाली प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होता, प्रीमियम फॉर रिजर्व, प्रीमियम फॉर रिवैल्यूएशन, हर उस जगह प्रीमियम, हर उस जगह कंपनसेटिंग अमाउंट आती है जहां पर कोई सैक्रिफाइस करता है और कोई गेन करता है, और सैक्रिफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगता है, पैसा मांगता है, और गेनिंग वाले को पैसा देना पड़ता है। क्लियर है, नहीं है?
आई पास में नहीं आई। तो ये कहानी थी हमारी एडमिशन की। अब आते हैं यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं, फटाफट रेशियो की बात करते हैं जल्दी से, फटाफट 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 देखिए रेशियो की बात करेंगे। देखिए रेशियो को निकालने का एक एक ना एक क्वेश्चन पहले पता चल रहा हूँ, एडमिशन से रिटायरमेंट में से या डेथ में से एक ना एक क्वेश्चन गारंटीड ऐसा आएगा जो एक नंबर या दो नंबर में होगा जिसमें तुम्हें रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो वाला क्वेश्चन अलग से एक नंबर या एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, देखो पहला केस हमारा क्या था, पहला केस था जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन होगा, तो तुम कैसे रेशियो निकालने वाले हो। पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन होगा तो तुम कैसे निकालोगे। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने माना है कि ए और बी तो पुराने पार्टनर है, इनका रेशियो जाएगा 3:2, 3/5, 2/5, नया वाला पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, नया वाला पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहले लिखोगे टोटल शेयर, टोटल शेयर हमेशा कितना होता है 1, टोटल शेयर का मतलब होता है पूरी फर्म का शेयर, मतलब पूरी फर्म क्या है 1, 1 में से सबको दिया जाता है, तो टोटल शेयर होता है 1, 1 में से पहले किसको दे दो 1/4 सी को दे दो, तो टोटल शेयर होता है 1, रिमेनिंग शेयर क्या निकलेगा 1 - 1/4, 1 - 1/4, 1 - 1/4, रिमेनिंग शेयर हमने दे दिया, किसको दे दिया मेरे बेटा जी, मतलब रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग का मतलब है बचा हुआ शेयर, तो 1 में से 1/4 पहले सी को दे देंगे, 1 में से 1/4 सी को दे देंगे, तो जो बचेगा एलसीएम लेने के बाद जो बचा 3/4 वो ए और बी का होगा, तो ए और बी में बांट देंगे। कैसे बांटोगे, इनके रेशियो में, जैसे अमाउंट को बांटते हो 3:2 में, जैसे मैं बोलूंगा 10,000 को बांट दो 3:2 में, तो बस 10,000 को जैसे बांटोगे 10,000 × 3/5, 10,000 × 2/5, बस 10,000 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 3/4 को बांट रहे हो, तुम्हें क्या करना है 3/4 को बांटने, तो देखो 3/4 × 3/5, 3/4 × 2/5 जैसे पार्टनर होता है, तो 9/20, 6/20 और सी का शेयर कितना था 1/4। देखो रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 20, यहाँ पे कितना है 20, बट यहाँ पे कितना था 4, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दी 5 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे क्या हो गया 5/20 बन गया हमारा रेशियो, बोलो हाँ है ना। इसे बोलते हैं न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो हमारा क्या निकलेगा 9, 6 और 5, 9, 6 और 5, क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलिए हाँ है ना। देखिए अब कोई तुमसे पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला देखो ऑब्वियस बात है, देखो जी यहां पर आप एक चीज लिख सकते हो, क्या याद कर लो एक गाना, गाना सॉन्ग, ये मैं सिर्फ याद रखना ये जो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरी के लिए है ये थ्योरी। देखो सॉन्ग का मतलब है ओल्ड माइनस न्यू, एस का मतलब है सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, और जी का मतलब है गेनिंग न्यू माइनस न्यू माइनस, देखो इसमें तीर ऐसे चला, इसमें तीर ऐसे चला, सॉन्ग बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अगर तुम्हें याद करना है ना फॉर्मूला, अगर याद करने में दिक्कत है तो याद कर लो, ये क्या याद कर लो सॉन्ग याद कर लो, क्या याद कर लो सॉन्ग, सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, गेन न्यू माइनस ओल्ड, समझ गया, याद रहेगा। लेकिन थ्योरी में मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली तुम्हें दिमाग में नहीं डालना, प्रैक्टिकली तुम सिर्फ इतना याद रखो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस हो गेन हो कुछ भी करो ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन, सीधी सीधी कहानी, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन। अब जैसे आपके पास ओल्ड रेशियो कितना था, ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो तुमने देखा था ए और बी का, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो 3/5, 2/5, और न्यू रेशियो तुमने निकाल दिया 9/20, 6/20, 5/20 निकाला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 0 - 5/20, जब तुम एक्सेल लेके इधर सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा 3/20 ये निकल कर आएगा, 2/20 ये निकल कर आएगा, और ये आएगा -5/20। माइनस का मतलब मैंने क्या बताया, पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो गेन, इनकी गेन करने वाला बंदा एक ही है। याद रखना रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और कम से कम दो बंदे होने जरूरी है, या सैक्रिफाइसिंग वाले बंदे दो हैं, गेनिंग वाला बंदा एक है, तो यहाँ हम क्या निकाल सकते, खाली वी कैन कैलकुलेट ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट हम गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर ही नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर सेम है 3:2, 3 और 2 का रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकता यहाँ पर, क्योंकि गेनिंग वाला बंदा एक है। हाँ अगर गेनिंग वाले बंदे भी दो होते तो गेनिंग रेशियो में निकाल देता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 3:2 बिटवीन ए एंड बी, और ये तीन और तो क्या है ओल्ड रेशियो ही है। तो मैंने बताया था जो पहला वाला केस होता है ना, जो पहला वाला केस होता है जिसमें पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो और नए वाले पार्टनर का शेयर, पुराने का पुराना रेशियो नए का शेयर गिवन होता है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो होता है ना 3 और 2, यही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, यही तुम्हारा क्या बनता है
यही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, तीन और दो ही ओल्ड है, तीन और दो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। क्लियर है? सिर्फ पहले केस में जब मैंने केस ए करा दिया तो फिर मैंने केस बी केस एफ करवाया, क्योंकि केस ए और केस एफ के अंदर क्या था, थोड़ा सा तालमेल था, और वो तालमेल क्या थी, एल और एम दो पार्टनर है। जोर से बोलो, एल और एम दो पार्टनर है। जोर से बोलो, एल और एम दो पार्टनर है। क्लियर ही नहीं है? और आपको पता क्या दे रखा होगा, एल और एम दो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:1। ओ एक नया वाला पार्टनर है, 1/3 शेयर के लिए वो आ रहा है। पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो, नए पार्टनर का शेयर, ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो गिवन है, लेकिन एक लाइन और लिखी मिलेगी कि एल और एम मतलब पुराने पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, एल और एम डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर इन द रेशियो 2:1, कि मतलब फ्यूचर में इन दोनों का रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या बनी, इन्फॉर्मेशन ये बनी कि पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो, पुराने ही पार्टनर का नया रेशियो, और नए वाले पार्टनर का शेयर, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में जो अंतर है, ऊपर ये गिवन नहीं था, खाली ये दोनों चीज गिवन थी, और इस वाले केस में हमें तीन चीजें गिवन है। करने का तरीका बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे ऊपर था। क्या टोटल शेयर हमेशा क्या है, 1, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/3, पहले नए वाले पार्टनर को तो बच्चे का 2/3 एल और एम का है। ऊपर वाले में तुम क्या कर रहे थे, ओल्ड में बांट रहे थे, अगर तुम्हें न्यू गिवन है, अगर तुम्हें न्यू गिवन है तो तुम न्यू में बांटोगे, तो 2/3 को 2/3 को 2/3 और 1/3 में बांटोगे। कैसे बांटोगे, जैसे मैंने सिखाया था, 2/3 का 2/3, 2/3 का 1/3, ये कितना बचेगा 4/9, और ये बनेगा 2/9, और ओ जो है ओ का कितना शेयर था 1/3, अब यहाँ 9/9 या 3, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/9, तो रेशियो का बनेगा तुम्हारा 4:2 और 3, 4:2 और 3, बोलो हाँ है ना। और देखो एल और एम के बीच में क्या रेशियो आ रहा है, 2:1 का ही रेशियो निकल कर आ रहा है जो कि चाह रहे थे। अब यहाँ पर अगर ये पूछना चाहे कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल दो, सॉरी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल दो, तो ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो तुमने नीचे निकाला ही है, ये वाला मत लेना जो निकाला है वो, ओल्ड माइनस न्यू, तो पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी रेशियो बनाना, और कम से कम दो बंदे होने चाहिए। यहाँ पर मुझे जितना याद आ रहा है, यहाँ पर एक बंदा सेक्रीफाइस निकलेगा, दो बंदे निकलेंगे गेन वाले, तो इस वाले इलस्ट्रेशन से, इस वाले क्वेश्चन से गेनिंग रेशियो बाहर आ रहा है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाहर आ रहा है। अब आता है बी पॉइंट, ठीक है ना, केस बी। केस बी का मतलब था फ्रॉम वाला केस, फ्रॉम यानी कि मे से, फ्रॉम यानी कि मे से, अपने शेयर मे से। देखो एक होता है ऑफ फ्रॉम वाला केस, एक होता है ऑफ वाला केस। फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस करते हैं, कौन बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है बता दिया जाता है, सीधा माइनस करते हैं जितना वो दे रहा है। जैसे मान के चलो मेरा 50,000 रुपए है, मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, तो 50 में से 10 डायरेक्ट माइनस कर दिए। और अगर मैं बोलूं कि मैं अपने हिस्से का 50,000 का 10% दूंगा, तो तुमने क्या करा, 50,000 का 10%, तो आपने इक्वेशन में नहीं ना 50,000 × 10% ऐसे करना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस करते हैं, और ऑफ वाले में, ऑफ यानी का वाले में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं। पहले 10% निकाला 5,000, फिर माइनस करेंगे। आया नहीं आया, आ जाओ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी जो पार्टनर है 2/3 1/3 का रेशियो है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3। देखो सेक्रीफाइस की जगह सरेंडर वर्ड भी यूज हो सकता है, ए सरेंडर कर रहा है 1/4, बी सरेंडर कर रहा है 1/5 इन फेवर ऑफ सी, सी के लिए, किसके लिए मेरे बेटे जी, सी के लिए। तो इनके हमें सीधा सीधा पता लग गया कि ए ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, बी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और सी क्या कर रहा है गेन। बोलो हाँ ना, यहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सीधा खुलता भी पता है ना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो ये रहा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, बी बाय कर रहा है 1/5, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इक्वल कर दो। ऊपर नीचे यहाँ करा 5 से मल्टीप्लाई 5/20, यहाँ करा 4 से मल्टीप्लाई 4/20, रेशियो का बन के बाहर आ गया 5:4, मतलब ए और बी के बीच का रेशियो बन गया 5:4 का रेशियो बन गया। क्या बन गया, जोर से बोलो, 5:4 का रेशियो बन गया, तैयार बाहर आएगा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी निकालोगे तो भी तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, 5:4 ही निकल कर आएगा। हालांकि अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं, बताओ ए के पास कितना शेयर था 2/3, सीधा माइनस करो, उसने कितना दे दिया 1/4 अपने शेयर में, इतने में से इतना गया, इतने में से देखो 2/3 में से 1/4 गया, ऐसा लेके कितना बार गया 5/12 आएगा, है ना। ऐसे बी ने कितना दिया 1/3 में से 1/5, 1/3 − 1/5, ऐसा लेके आएगा 2/15, कितना आएगा 2/15। सी का कितना शेयर था, देखो ए और बी के पास से जा रहा है तो सी के पास आ रहा है, तो सी क्या करेगा 1/4 ए से, 1/5 बी से,
ऐड करेगा, एलसीएम लेगा 20, आएगा 9/20। अगर डिनोमिनेटर देखोगे, इसका डिनोमिनेटर 12 आ रहा है, इसका 15 आ रहा है, इसका 20 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ करिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ करिए 3 से मल्टीप्लाई, जिससे इनका डिनोमिनेटर 60 बन गया। तो रेशियो क्या बना हमारा 25:8:27, 25:8:27, ये हमारा न्यू रेशियो निकल के बाहर आया। एक आता है केस नंबर सी। केस नंबर सी क्या होता है मेरे बेटा जी? का वाला केस। कौन सा केस मेरे बेटा जी? का मल्टीप्लाई देन माइनस, लिखा है मैंने, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर वाले केस बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर वाले केस, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ए और बी दो पार्टनर है, 2/3, 1/3 का रेशियो है, ए सैक्रिफाइस या ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए ने दिया अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का, तो 2/3 का यानी मल्टीप्लाई का 1/4, यानी ए ने कितना दिया? 2/12 दिया ए ने, कितना दिया? 2/12 दिया ए ने, कितना दिया मेरे बेटा जी? 2/12 दिया ए ने, बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ए ने कितना दिया? 2/12 दिया, आया अपने शेयर का 1/4, 1/4 नहीं दिया, अपने शेयर का 1/4 दिया, तो शेयर का 1/4 निकाला। बी 1/5 ऑफ शेयर, अपने शेयर का 1/3 का 1/5, 1/3 का 1/5, 1/3 का 1/5, अपने शेयर का 1/5, तो 1/15 दिया इसने सी को। तो वही वाली बात है ना, ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस पता लग गया। इनका जब तुम रेशियो बनाओगे तो तुम्हें क्या पता लग जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता लग जाएगा, 2/12 का और 1/15 का, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, 10:4, 5:2 का रेशियो तुम्हारा निकल के बाहर आ गया। अब बड़ा आसान है, ए के पास कितना शेयर है? 2/3, और कितना दे दिया? 2/12, इक्वल कर, मतलब एलसीएम लेंगे 6/12 आ जाएगा। ऐसे बी के पास कितना था? 1/3, इतने कितने दे दिए बी ने? 1/15, एलसीएम लेके कितना आएगा? 4/15 बाहर आ जाएगा। सी के पास 2/12 आ रहा है ए से, प्लस 1/15 आ रहा है बी से, एलसीएम लेके 60 आ जाएगा यहाँ पर, बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा बाहर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। चलिए जी, अब बताइए क्या 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 रेशियो निकलने वाला है बाहर? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 60 है, तो क्या करें? 60 में मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे 60 बन जाएगा, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे 60 बन जाएगा, 60 60 30 16 और 14 रेशियो बनाओगे, 30 16 और 14 है ना, 30 16 और 14 ये बनेगा रेशियो। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, रेशियो छोटा कर सकते हो, 15 8 और 7। याद रखना स्टार्टिंग में कभी भी काटा पीटी मत बचाना, हमेशा आखिर में यहाँ काटा पीटी मचाना। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे 6/12 निकलते हैं ना, काटो 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 मचा देते हैं। बेटा बाद में काटा पीटी मचा लेना, इस एकदम से मत मचाया करो, क्लियर ही नहीं है। तो अब है केस डी। केस डी मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा, तुम्हें न्यू रेशियो भी गिवन होगा, तुमसे पूछा गया जाएगा गेन और सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन, ऐसे मिलने तुम्हें आना चाहिए। केस ई और लास्ट केस, केस ई और लास्ट केस करेंगे, क्लियर ही नहीं है। केस ई क्योंकि मेन हमारे 6 ही केस थे, क्लियर ही नहीं है, बाकी हमारी प्रैक्टिस। केस ई की बात करते हैं, केस ई में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखेगा व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा है पी और क्यू दो पार्टनर है, 5:2 का रेशियो, मतलब 5/7, 2/7 का रेशियो है, आर नया वाला पार्टनर आ रहा है 2/5 के लिए, ये भी तुम्हें दिया जाएगा 2/5 के लिए आ रहा है, और आर को जो शेयर है वो पी और क्यू दे रहे हैं किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, मतलब आर का जो शेयर है 2/5 वो पी और क्यू दे रहे हैं 2:1 में, ये लिखा हुआ है। तो सवाल है पी कितना दे रहा है और क्यू कितना दे रहा है? 2/5 का 2/3 पी दे रहा है, 2/5 का 1/3 ये क्यू दे रहा है, 2/5 का 1/3 क्यू दे रहा है। तो पी ने कितना दिया? 4/15, और क्यू ने कितना दिया? 2/15, बस बात खत्म। अब माइनस कर दो, बताओ पी का शेयर कितना था? 5/7 माइनस 4/15 दे दिया, एलसीएम लेके बाहर कर दिया, ठीक है ना। क्यू का कितना था? 2/7 माइनस 2/15 दे दिया, एलसीएम लेके बाहर कर दिया। आर का क्या था? 2/5, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो देखो 4/15 मिला पी से, 2/15 मिला, 2/15 मिला क्यू से, इनको जोड़ के कितना 6/15 बनेगा, मतलब 6/15 देख लो, और ये 2/5 निकल के भैया ना 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो डिवाइड खत्म हो रहा है, बोलो हाँ ये ना। पर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दी जिससे डिनोमिनेटर 105 निकल कर आ जाए, रेशियो बनेगा 47 16 और 50 42, क्लियर ही नहीं है। ये था हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, आ जाओ ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट मैं अगेन बोलूंगा, ट्रीटमेंट मैं एक ही बार पढ़ा रहा हूँ, यही ट्रीटमेंट एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, और चेंज इन पीएसआर में भी है। ट्रीटमेंट हर जगह बिल्कुल सेम है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, उतनी बातें बोलेंगे जितनी बातों की हमें रिक्वायरमेंट है, क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सुनिएगा मेरी बातें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ट्रीटमेंट बिल्कुल डिटो सेम है। और इवन अगर मैं आपको बताऊं ना, चेंज इन पीएसआर के अंदर भी, चेंज इन पीएसआर में अभी रेशो वाला क्वेश्चन तो मुड़ गया, बिल्कुल सेम डिटो चलता रहता है बेटा, कुछ भी अंतर नहीं चेंज इन पीएसआर के, लेकिन आप कुछ भी नहीं छोड़ने का चेंज इन पीएसआर से, आपकी जितनी बुक में है ना 30-40 जो भी क्वेश्चन छपे हुए हैं उनसे बाहर चेंज इन पीएसआर आएगा भी नहीं। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर है, पहले बता के चल रहा हूँ, क्लियर है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे होता है चेंज इन पीएसआर अपने आप हो जाता है, लेकिन अपने आप हो जाता है का मतलब ये नहीं आप करोगे नहीं, आपको हाथों से निकालना फिर भी पड़ेगा, चेंजिंग पेसर आपको हाथों से करना बिल्कुल पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं आने वाला, ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने वाले हैं, लेकिन याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले तुमको क्या आना चाहिए, चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन आनी चाहिए विद थ्योरी आनी चाहिए, वो तुम्हें है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो तुम्हें लगाने आने चाहिए, उसमें हार्डली है कुछ भी नहीं, अगर तुम उसके मेन मेन 10-15 क्वेश्चन भी कर लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, और वो चैप्टर है भी आसान, मोस्टली बच्चों को आते, इससे मैंने उसे रिकॉलिंग में डाला ही नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि वो नॉर्मली बच्चों को आता है, क्लियर ही नहीं है, नहीं आता तो जाके वीडियो देखें, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो गुडविल दो तरीके की होती है, सुनो, एडमिशन और रिटायरमेंट में, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, इसके ट्रीटमेंट को आसान बनाने के लिए हमने डिसाइड करा कि गुडविल कितने तरीके की होती है, गुडविल दो तरीके की होती है बेटा, एक होता है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल, जोर से बोलो, एक होता है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल, एक होता है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल। बेटा ओल्ड गुडविल कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है, जोर से बोलो, जो बैलेंस शीट में गिवन है, एग्जिस्टिंग गुडविल, अपियर्ड गुडविल, रिकॉर्डेड गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल, मतलब जो बैलेंस शीट में है, रिकॉर्डेड है, अपियर्ड है, नजर आ रही है, शो हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, विच इज कॉल्ड ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कहां मिलेगी आपको, बैलेंस शीट मिलती है पुरानी बैलेंस शीट, याद है ना, आप नई वाली बैलेंस शीट बनाते हो, पुरानी वाली बैलेंस शीट मिलती है, तो पुरानी वाली बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल होगी उसे तुम क्या बोलते हो, ओल्ड गुडविल। ये मिलेगी, ये गिवन होगी, गिवन होगी तो ट्रीटमेंट करना, गिवन नहीं होगी तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट मत करना। पुरानी गुडविल को तुम क्या करते हो, उसका ट्रीटमेंट क्या, राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, गर्दन पकड़ के बाहर खींच लेते हैं, उस समय क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना गुडविल को, बोलो हाँ या ना। इसका तरीका क्या था, याद है, याद करने का तरीका, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बार दो, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बार दो, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बार दो, क्लियर है? बताइए, जो गुडविल है, जो गुडविल है वो बैलेंस शीट एसेट में, एसेट क्या होती है, डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या किया हमने, क्रेडिट, और बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में, या पार्टनर कैपिटल, करंट हो, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड ऑन कैपिटल का नेचर, फिक्स्ड है तो करंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, हार्डली ज्यादा क्या है आपको फ्लक्चुएटिंग नेचर ही मिलता है। पुराने रेशियो में, पुराने रेशियो में जो भी पार्टनर होंगे, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन, है ना, उन पार्टनर में बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, क्लियर ही नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ माना ए और बी दो पार्टनर है, सी ने वाला पार्टनर है, ओल्ड वुड 10,000 की है, तो ये 10,000 ए और बी में बढ़ जाएंगे, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, बोलो हाँ या ना, 10,000 को बांट दो, बांट दो तुम्हें आता ही है। अब आते हैं मेन बात न्यू गुडविल की, न्यू गुडविल कहाँ मिलती है, न्यू गुडविल मिलती है बैलेंस शीट जो मिलेगी उसके बाहर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के बाहर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में। मैंने एक बात बोली थी कि न्यू गुडविल के नाम पर, न्यू गुडविल के नाम पर हमें हमेशा क्या चाहिए, फर्म की गुडविल चाहिए, न्यू गुडविल के नाम पर हमें हमेशा क्या चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, न्यू गुडविल के नाम पर हमें हमेशा क्या चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, क्लियर ही नहीं है। अब या तो तुम्हें फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन होगी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी, या तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो बात ही खत्म, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा आपकी ऐसी अनुकंपा से गुडविल हुई है। और अगर आपको गुडविल गिवन नहीं है तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए चैप्टर नंबर 2 गुडविल वैल्यूएशन अप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या हिडन गुडविल, याद आया या नहीं आया, एक बात ध्यान से समझ लेना मेरे बेटे जी, कौन सा मेथड लगाना है क्वेश्चन बताएगा, क्लियर ही नहीं है। और समटाइम मैंने एक बात बताई थी कि इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है कि आपको नए वाले पार्टनर की गुडविल दे रखी होगी, नए वाले पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, फर्म की गुडविल नहीं दे रखी होगी, तो तुम फर्म की गुडविल निकाल सकते हो कैसे, 50,000 और इंटू 4 को इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना था कि नए वाले पार्टनर की कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल,
और इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला लगाकर भी आप फर्म की ओडी निकाल सकते हो कि अगर क्वेश्चन ने एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन किसी मेथड की बात नहीं करी है तो। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई? ये हिडन गुडविल को समझ लो, हिडन गुडविल कुछ भी नहीं है, छुपी गुडविल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, कैपिटलाइजेशन लगाने का एक दूसरा तरीका है। देखो यहाँ पर केस स्टडी की अगर हम बात करें तो केस स्टडी के अंदर देखिए, केस स्टडी के अंदर हमने बात करी थी कि भैया शिवांश पन्नमन दो पार्टनर हैं, ये चार साल तक अपने इन्होंने ये चार साल तक इन्होंने धंधा किया, चार साल बाद तनिष्क नया वाला पार्टनर आ गया और इनका रेशो के 3:2:1, पहले पुराने पार्टनर का पुराना रेशो 3:2, नए वाले पार्टनर को मिलाकर बन गया 3:2:1 का रेशो। तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रही है 20,000 रुपए, ये वाली गुडविल क्या कहलाएगी? ओल्ड गुडविल, और ये ओल्ड गुडविल बढ़ जाएगी ओल्ड पार्टनर शिवांश और अमन में, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर पुराना रेशो बांट दो। तो देखो एंट्री क्या बनी, गुडविल एसेट, एसेट होती है डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट, और शिवांश और नमन में उनके रेशो में 3:2 के रेशो में बांट दिया 20,000 को 12 और 8। लेकिन एक गुडविल जो तुम्हें दे रखी है, जो तुम्हें दे रखी है वो कौन सी गुडविल है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्म की गुडविल, या तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखी होगी या तुम्हें निकालनी पड़ेगी। मैंने बताया था इसका ट्रीटमेंट नंबर वन हमें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। इसका ट्रीटमेंट नंबर वन क्या था कि फर्म की गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना, इसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं क्योंकि कोर्स का पार्ट है नहीं। इसका ट्रीटमेंट नंबर टू ही ओपन होता है, आप फर्म की गुडविल को पहले क्या करोगे? ओल्ड रेशियो में बांटोगे, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंजिंग बेसार हो, ये करना है, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो में बांटोगे, फिर बांटोगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो गिवन है तो बहुत बड़े, नहीं तो न्यू रेशियो निकाल लो, न्यू रेशियो गिवन है तो बहुत बड़े, नहीं तो न्यू रेशियो निकाल लो, क्लियर ही नहीं है। तो क्या करो, एडमिशन में पहले ओल्ड में बांट दो, फिर बांट दो न्यू में, क्लियर ही नहीं है। अब देखो यानी कि पता है यहाँ पे शिवांश बोलेगा कि मेरी गुडविल 72,000 थी लेकिन तनिष्क के आने से मेरी गुडविल कम हो गई है, आने या जाने से कम या ज्यादा हो जाती है गुडविल, मेरी पहले गुडविल ये थी अब मेरी गुडविल ये हो गई है, मतलब मेरी गुडविल कम हो रही है 12,000, तो शिवांश बोलेगा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। नमन बोलेगा मेरी 48 थी, तनिष्क के आने से 48 हो गई है, मेरी भी कम हो गई है 8,000 रुपए, मैं भी क्या कर रहा हूँ सेक्रीफाइस। तनिष्क बोलेगा पहले मैं पार्टनर था नहीं तो मेरी गुडविल कुछ थी रही, लेकिन पार्टनर बन गया तो मेरे को गुडविल मिल गई है, कितनी मिल गई है 20,000 रुपए, मैं क्या कर गया हूँ गेन। तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कर रहे हैं गेन, और याद रखना जितना सेक्रीफाइस होगा 12 और 8 20 उतना ही गेन होगा, मतलब ये बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी ये बंदा क्या कर रहा है गेन कर रहा है। और मैंने क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में, बोला था कि प्रीमियम की अमाउंट कंपनसेटिंग अमाउंट, जब भी कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ये दोनों शिवांश और नमन सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी तनिष क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग वाले बंदे से क्या मांगेगा पैसा, कि भाई मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मुझे मेरे सेक्रीफाइस का पैसा लाके दे, मुझे मेरे सेक्रीफाइस का पैसा लाके दे। जहां जहां पर भी ये मत बोलो कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है न्यू पार्टनर गेन करता है, नहीं, ये याद ही मत करो, थ्योरी में जितना याद करना है कर लो, लेकिन ये बात बिल्कुल छोटे का गलत है कि नया ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है न्यू पार्टनर ही गेन करता है, ऐसा नहीं कह सकते हम। कोई भी गेन करेगा, कोई भी सेक्रीफाइस करेगा, बस ध्यान में रखो, कोई भी गेन करेगा, कोई भी सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। सैक्रिफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। अब शिवांश और नमन तनिष से क्या मांगेंगे कि भैया हमको पैसा लाके दे 20,000 रुपए। अब ऑब्वियस बात है, या तो तनिष पैसा लाके देगा या पैसा लाके नहीं देगा, क्लियर नहीं है। अगर तनिष ने देखो पहला केस क्या है, प्राइवेटली पेमेंट, अगर तनिष ने प्राइवेटली पेमेंट कर दी, बाहर की बाहर निपटा दिया तो वो एंट्री बनने वाली नहीं है, और तनिष ने पैसा लाके दे दिया, देखो याद रखना एंट्री जो है अलोंग विद कैपिटल भी बन सकती है और विदाउट कैपिटल भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, हाँ है ना। क्वेश्चन में अगर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है तो विद कैपिटल के बनाना, और विद कैपिटल इन्फॉर्मेशन है तो विदाउट कैपिटल बनाना एंट्री, कुछ नहीं है दोनों में, एंट्री बिल्कुल सेम है, बस यहाँ कैपिटल है या कैपिटल नहीं है, इसको इस बार यहाँ पर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो कैपिटल नहीं लिखी, ये कैपिटल इन्फॉर्मेशन है तो कैपिटल क्रेडिट कर दी, और कुछ नहीं है। अब तनिष जो है वो पैसा ला के दे रहा है फर्म के अंदर, कैश है तो कैश, चेक है तो बैंक, एसेट है तो एसेट, कुछ भी ला के दे रहा है, पैसा ला के दे रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्लियर है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सुनो तनिष ने पैसा लाके दिया तो फर्म बोलेगी मेरे पास पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम से, लेकिन फर्म बोलेगी ये जो 20,000 रुपए दे रहा है ना, फर्म बोलेगी पैसा हमारा नहीं है, शिवांश और नमन का है, मतलब ओल्ड पार्टनर का है, तो फर्म क्या करेगी, उस पैसे को, उस अमाउंट को, प्रीमियम को अपनी लायबिलिटी मांगी, क्रेडिट कर लेगी कि पैसा मेरा नहीं है, उन दोनों का है, मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मांगी क्रेडिट। फिर फर्म बोलेगी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। फर्म लायबिलिटी को खत्म कर देगी, डेबिट कर देगी, और जिसका हिस्सा है वो हिस्सा उनकी कैपिटल में ऐड कर देगी। शिवांश का हिस्सा शिवांश की कैपिटल में 12,000, नमन का हिस्सा नमन की कैपिटल में 8,000। ये 12 और 8 कहां से निकला था, ये रहा देखो 12 और 8 निकला हुआ है, 12 ये रहा 8 ये रहा, क्लियर ही नहीं है।
लेकिन सुभाष शर्मा नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा पैसा है, तूने तो हमारी हमें पैसे नहीं दिया, तूने तो ये पैसा हमारी कैपिटल में ऐड कर दिया, हम पैसे तो देते। फॉर्म बोली कि देखो भाई मेरे पास पैसा आया, मैंने तुम्हारी कैपिटल में ऐड कर दिया, अब तुमको लगता है कि तुमको ये पैसा लेके जाने का, विड्रॉ करने का, फॉर्म से पैसा लेके जाने का है तो निकाल लो, मैंने तुम्हारी कैपिटल बढ़ा दी थी, मैं कैपिटल घटा दूंगी। फॉर्म ये बोलेगी, मतलब ड्रॉइंग की एंट्री कैपिटल होती है, क्रेडिट कम करने के लिए क्या कर देंगे डेबिट, अगर बंदे विड्रॉ कर दे दो। विड्रॉ की एंट्री तभी लगाना जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लगाना, अपने आप से मत लगाना, मत के लोग विड्रॉ के बारे में क्वेश्चन बोलेगा तो ये एंट्री बनती है। और फर्म की जब से क्या जा रहा है पैसा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश बैंक अकाउंट, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ते मेरे बेटे जी। और अगर मान के चलो तनिष ने मना कर दिया, मैंने दे रहा पैसा, कल ले क्या करेगा, तो तुम्हें क्या बनानी जी टू एस की एंट्री। जी टू का एस का मतलब है गेनिंग टू सैक्रीफाइस, गेनिंग टू सैक्रीफाइस का मतलब होता है कि गेनिंग वाला बंदा डेबिट हो जाएगा और सैक्रीफाइसिंग वाला बंदा क्रेडिट हो जाएगा। तो गेनिंग वाला बंदा कौन है? तनिष। तनिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल टू नमन कैपिटल, मतलब इनकी कैपिटल बढ़ा देंगे उसकी कैपिटल घटा देंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्या कि एडमिशन में देखो एंट्री तुम्हारी कैपिटल से बननी है, तनिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुभाष टू नमन, ये एंट्री ठीक है, यही बननी है एंट्री। हाँ, तनिष करंट अकाउंट टू सुभाष करंट अकाउंट टू नमन करंट अकाउंट, मतलब ये एंट्री सिर्फ करंट अकाउंट के थ्रू भी बन सकती है अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, नहीं तो फिर तुम गड़बड़ न कर जाओ कभी। क्लियर नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ जी टू एस गेनिंग टू सैक्रीफाइस, गेनिंग इसको डेबिट करो, इन दोनों टू सैक्रीफाइस इसको क्रेडिट करो, बोलो हाँ या ना। तो एंट्री मैंने बनाई है तनिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल टू नमन कैपिटल, बात क्लियर होगी नहीं होगी? तनिष डेबिट टू सुभाष टू नमन, यही एंट्री बनेगी। ये बात दिमाग में आ गई तुम्हारे? हाँ भैया, हमारे दिमाग में एंट्री आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ ये एंट्री बन सकते हैं तनिष करंट डेबिट टू सुभाष करंट टू नमन करंट, ये जहाँ कैपिटल है करंट भी आ सकता है अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। बस एक चीज ध्यान में रखना, ये जो कैपिटल वाली एंट्री है ना, इस कैपिटल में ये तो कैपिटल रहेगा, बस जहां एक कैपिटल है वहां पे मैंने क्या लिख दिया करंट। क्लियर ही नहीं है? इस एंट्री को थोड़ा मैंने मॉडिफाई करा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आईएससी के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने बोला है, और एडमिशन वाले चैप्टर में कि नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दो बस। मतलब आप जो कैपिटल वाली एंट्री, करंट वाली जो करंट है वो तो पूरा ही करंट है, उसे तो छोड़ दो। अगर आप कैपिटल वाली एंट्री बना रहे हो ना कैपिटल के थ्रू, तो सिर्फ एडमिशन में नए वाले पार्टनर के केस में क्या करोगे, सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करोगे, बाकी कैपिटल रहने दो। सिर्फ नए वाले पार्टनर एडमिशन में नए वाले पार्टनर के लिए क्या ओपन कर दोगे, करंट अकाउंट, बाकी कैपिटल रहने दो। क्लियर? हाँ, अगर पूरी एंट्री करंट की बन रही है तो बात ही अलग हो जाती है, तब तो फिक्स नेचर आ जाएगा। ये फिक्स नेचर नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर है। बस फ्लक्चुएटिंग नेचर में पूरी एंट्री कैपिटल से नहीं बनी, सिर्फ नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट आ गया, बाकी सबका कैपिटल रहता है, सिर्फ नए वाले पार्टनर का। दोबारा बोल रहा हूँ, नए वाले पार्टी का कैपिटल है, बाकी सबका, नए वाले पार्टी का करंट आता है, बाकी सबका कैपिटल आएगा फ्लक्चुएटिंग में, आया ही नहीं आया, और वो भी एडमिशन में, रिटायरमेंट डेथ और चेंजिंग मेथड में वो भी नहीं था। समझ गए? ठीक है, ये था हमारी तरफ से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आते हैं हम किसकी, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्लियर नहीं है? चलो एक मिनट रुको, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक बात ध्यान समझना, यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की, खाली रिजर्व की बात नहीं आ रही, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में रिजर्व भी आता है ना, रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट लॉस भी आता है, जो बैलेंस शीट के अंदर पीनल वगैरह मिलता है ना वो भी आता है, और एडवर्टीजमेंट वाला अभी आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह वो भी आते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? नहीं आ गई, ठीक है ना। अब देखो, आपको ना मैंने बोला था ना कि आपको एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये चेंज इन PSR हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, उन सभी चैप्टरों में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी, जिसे आप बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और कोई फलाना डिमकाना रिजर्व। लेकिन याद रखना, यहाँ पर
वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व को या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्किंग कंपनसेशन फंड भी कहते हैं। अब फंड का मतलब कई बार हम क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड को भी रिजर्व मान लेते हैं। प्रोविडेंट फंड अगर लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ हो या इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ हो, वो रिजर्व का पार्ट नहीं है, उसे रिजर्व मत मानना, वो सिंपल एक लायबिलिटी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कभी आप प्रोविडेंट फंड को भी रिजर्व वाला ट्रीटमेंट दे दो, नहीं देना, वो एक लायबिलिटी है, सिंपल। क्लियर ही नहीं है? और लायबिलिटी में क्या मिल सकता है? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का मतलब है अगर पीएनएल लायबिलिटी में है तो वो प्रॉफिट है, और अगर वो पीएनएल एसेट में है तो वो लॉस है। याद रखना, अगर पीएनएल लायबिलिटी में है तो क्या है, प्रॉफिट है, और एसेट साइड में दे रखा है तो वो लॉस है। और क्या मिल सकता है एसेट साइड में? डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे। डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे में तुम्हें मेन दो ही खर्चे मिलते हैं, या प्रीमिलरी मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या तुमको मिल जाएगा मेरे बेटा जी एडवर्टीजमेंट वाला, और ज्यादातर एडवर्टीजमेंट ही मिलता है तुम्हें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो कुल मिला के समझो कुछ रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, खर्चा, समझ गए ना, बैलेंस शीट में। अब देखो रिजर्व किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट तो है ही प्रॉफिट, लेकिन रिजर्व भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट का ही पार्ट है, क्योंकि वो प्रॉफिट से ही बनता है। तो बैलेंस शीट की ना लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी इधर वाली साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। क्लियर ही है? जो तुम्हें मिलेगा वो सारा प्रॉफिट वाला कंटेंट है, मतलब प्रॉफिट या रिजर्व मिलते हैं। और बैलेंस शीट की एसेट में ये तो तुम्हें पीएनएल मिलेगा, एसेट में तो वो लॉस है, और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, खर्चा ही है क्योंकि वो भी लॉस है। तो एसेट के अंदर खर्चा पड़ा हुआ है और लाइबिलिटी के अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब याद रखना, तुम्हें अगर इनमें से एक भी आइटम मिलेगा, तुम्हें इसमें रिजर्व मिले, पीएनएल मिले, लॉस मिले, एक भी मिलेगा तो ट्रीटमेंट देना, और अगर नहीं मिलेगा तो ट्रीटमेंट मत देना। बात क्या होगी? मिलेगा तो ट्रीटमेंट कर देना, नहीं मिलेगा तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत करना। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा, एक मिले, दो मिले, जरूरी की बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, एक दो तीन कितने भी आइटम मिल सकते हैं, समझ गए? दो तीन रिजर्व दे दिए, क्या पता एक भी रिजर्व ना दिया हो, कुछ भी मिल सकता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब मैं कुल मिलाकर कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो बैलेंस शीट मिलेगी वो पुरानी बैलेंस शीट मिलेगी। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पुराना रिजर्व। रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चा, बोलो हाँ ना? तो पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चे पे किसका हक है? पुराने पार्टनर का हक है। तो पहला ट्रीटमेंट तो है कि भैया पुराने पार्टनर का हक है, जिसका हक है उसको उसका हक दे दो। तो वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ, खत्म करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, जिसका हक है उसको हक देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में मान रखा था कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है और पीएनएल है और एडवर्टीजमेंट है। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल लायबिलिटी में, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट, और बांट दिया पुराने पार्टनर, पुराने रेशियो में बांट दिया, 1.5 लाख और 30 हजार ऐसे बढ़ गया 3 और 2 में। एडवर्टीजमेंट एसेट है, एसेट की खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, हटाने के लिए क्या करा? क्रेडिट, और ए और बी में बांट दिया पुराने पार्टनर में 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया। मतलब जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, पुराना बैलेंस शीट, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चा, पुराने पार्टनर, बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो, सिर्फ बांटने का काम करना है और कोई काम नहीं करना है, और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बांटने का काम करना है, याद रखना। और एक बात और बता दूं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में, देखो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में तो यही करना होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में तो यही करना होता है, लेकिन चेंज इन पीएसआर में ये तो है ही, ठीक है ना, चेंज इन पीएसआर में ये तो है ही और ये भी है। क्लियर ही नहीं है? देखो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोबारा नई वाली बैलेंस शीट में रिपीट नहीं होंगे, उन्हें अब रिपीट नहीं करने वाले, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो बढ़ गया वो घर गया, वो क्योंकि वो राइट ऑफ कर दिया गया है, ठीक है ना, और नई वाली बैलेंस शीट में आने वाले नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जो रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, जो पीएनएल दे रखा है बैलेंस शीट में, जो एडवर्टीजमेंट वाला खर्चे दे रखे हैं, ठीक है ना, तो डोंट वांट टू राइट, उन्हें बांटने के लिए मना कर, मतलब जो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं उन्हें ऐसे पड़े रहने दो, उन्हें बांटो मत, खत्म मत करो, डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, उन्हें छेड़ो मत, किसको? रिजर्व को। क्लियर ही नहीं है? भैया ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ये कह दे कि जनरल रिजर्व को तो बांटो मत लेकिन पीएनएल को बांट दो, कह सकता है। तो देखो जनरल रिजर्व को बांटो मत, तो जनरल रिजर्व के लिए तो ये वाला ट्रीटमेंट लगाएंगे, और पीएनएल को बांट दो, पीएनएल के लिए ये वाला ट्रीटमेंट लगाएंगे, ऐसा हो सकता है, याद रखना। क्लियर ही नहीं है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या है, अगर उसने पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना खर्चा बांटने से मना कर दिया तो क्या होगा? उस पे हक पुराने पार्टनर का है, और अगर उनको उनका हक नहीं दिया गया तो उनका हक नए वाले को भी मिल जाएगा, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल गुडविल वाला ट्रीटमेंट, क्या कि पहले हमने एक जगह प्रॉफिट इकट्ठा करा, उसमें से लॉस माइनस करा, क्या निकला? 1,60,000 का प्रॉफिट निकल गया। ऑब्वियस बात है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, लॉस ज्यादा है तो लॉस निकलता, फिलहाल प्रॉफिट निकल गया। इस प्रॉफिट पर किसका है? पुराने पार्टनर का हक है, पुराने को मिलना चाहिए, लेकिन बांटा नहीं,
मना कर दिया था बांटने से इन्होंने, हाँ है ना, तो क्या करिए इसे पहले बांट दो ओल्ड में, ये इस तरीके से बांटना चाहिए था, लेकिन अगर बांटा नहीं तो आगे जाके बढ़ जाएगा न्यू रेशियो में, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस, ए और बी क्या करेगा सेक्रीफाइस क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया, सी करेगा गेन। तो ए और बी, सी से क्या मांगेंगे पैसा, इसे बोलते प्रीमियम फॉर रिजर्व, बोलते प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर रिजर्व। अब सी या तो पैसा देगा या नहीं देगा, देगा तो बाहर के बाहर या घर के अंदर पैसा ला के देगा, नहीं तो जी टू एस, अभी बिल्कुल सेम एंट्री जो हमने पढ़ी थी, प्राइवेटली ला के देगा या नहीं तो जी टू एस। और देखो जब आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व पीएनएल डेफर्ड इवेंट एक्सपेंडिचर को भी शो करोगे, क्यों शो करोगे, क्योंकि आपने इन्हें बांटा ही नहीं था, राइट ऑफ पढ़ा ही नहीं था, कि जैसे पुराने ही पड़े हुए थे ये वैसे अब भी नई वाली पड़े रहेंगे, आया या नहीं आया। मैंने फिर एक एग्जांपल यहाँ पर ना और दिया था लॉस को लेके, लॉस को लेके मैंने क्या दिया था कि बेटा मान लो कि ये रिजर्व 180 है और एडवर्टीजमेंट 220 होता, तो तुम्हारे पास लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो लॉस बच जाता 40। अब तुम जैसे पहले प्रॉफिट को बांट रहे थे ओल्ड और न्यू में, अब यहाँ लॉस को बांटोगे ओल्ड और न्यू में। अब देखो लॉस कम होना इनके लिए गेन है और लॉस सी का बढ़ना सेक्रीफाइस है, वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कम हो रहा था तो सेक्रीफाइस था, यहाँ लॉस कम हो रहा है तो गेन है। सोच उल्टी हो जाएगी, गेन वाला सेक्रीफाइस कर गया, सेक्रीफाइस वाला गेन कर गया, बात क्लियर होगी नहीं हुई। अगर लॉस होता नेगेटिव फिगर बांट रहे तो अब यहाँ पर पता क्या होगा, तीर उल्टे चलेंगे, ये जो नया वाला पार्ट रहे सी वो बोलेगा मेरा तो लॉस ही नहीं बनता, मुझे बिना मत लॉस दे रहे हो, तो सी मांगेगा ए और बी से पैसा, उल्टा खेल, क्लियर। और ए और बी या तो बाहर की बाहर या घर के अंदर, जी टू एस, ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, आया ही नहीं आया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो मुझे रिवैल्यूएशन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करूंगा रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट को समझाने के लिए। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में रिवैल्यूएशन बनता ही बनता है, पहले तो याद ध्यान में रखो, क्लियर है। इफ क्वेश्चन इज सेट लिखा है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा रिवैल्यूएशन बनाने का है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर आएंगी, मतलब आपको बता रखा होगा कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी, मतलब एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, तो समझ जाना रिवैल्यूएशन के पॉइंट गिवन है, समझ जाना रिवैल्यूएशन के पॉइंट गिवन है, समझ जाना रिवैल्यूएशन के पॉइंट गिवन है, एसेट लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर आ रही हो तो समझ जाना रिवैल्यूएशन के पॉइंट गिवन है, बस कुछ नहीं। अगर रिवैल्यूएशन को बनाना, उधर की तरफ आता है प्रॉफिट, इधर की तरफ आता है लॉस, अगर एसेट बढ़ी तो प्रॉफिट, एसेट घटी तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस, लायबिलिटी घटी तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड एसेट मिली तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली तो लॉस। और ऑब्वियस बात है एट द एंड क्या बचेगा, या तो बचेगा तुम पे प्रॉफिट या बचेगा तुम पे लॉस। और भैया ऑब्वियस बात है पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी एसेट है, पुरानी लायबिलिटी है, तो पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या मिलेगा, पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस, तो पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्ट पुराना रेशियो बांट दो, क्लियर रही है। और मैंने बताया था अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हो, सुनो मेरी बात दोबारा बोल रहा हूँ, अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हो तो रिवैल्यूएशन का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है। अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होगा बैलेंस शीट में, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट होगा बैलेंस शीट में। वो डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट बैलेंस शीट तक जाएगा, और वो क्या जाएगा बैलेंस शीट में इफेक्ट, अगर एसेट लायबिलिटी बढ़ गई है तो बढ़ा के लिखो, घट गई है तो घटा के लिखो, बात क्या होगी, जिनके जो चेंज नहीं हुए एज इट इज लिख दो और जो अनरिकॉर्डेड थी उन्हें रिकॉर्ड करके लिख दो, बस बात खत्म। जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तब ये काम करना है तुम्हें। और ये वाला प्रॉफिट लॉस का जाएगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। यहां से दूसरी बात क्या समझते हैं, जेल एंट्री। जेल एंट्री बिल्कुल वैसी जैसे फंडामेंटल के अंदर मैंने आपको सिखाई थी पीनल एप्रोप्रिएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इनको कर देना क्रेडिट, बोलो हाँ ना, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर है नहीं, इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट तो इन्हें क्या करोगे डेबिट, स्टॉक डेबिट, लैंड बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और एंड में ये वाली एंट्री बनेगी प्रॉफिट या लॉस की, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, ये तो स्वदेश या स्वराज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कुछ भी आ सकता है, फिक्स नेचर है तो करंट लिख देना, और फ्लक्चुएटिंग नेचर है तो कैपिटल लिख देना, बात क्लियर होगी नहीं होगी। ये तब था जब रिवैल्यूएशन बनाओगे, लिखा भी ना रिवैल्यूएशन का सेकंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट पर पड़ता है, क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट बैलेंस शीट में, और डेबिट का क्रेडिट इफेक्ट
बैलेंस शीट में, ये लिखा हुआ है मैंने। और इफेक्ट क्या होता है, एसेट लायबिलिटी बढ़िया घट जाती है। देखो मैंने ट्रीटमेंट नंबर टू क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन ये ट्रीटमेंट नंबर टू नॉर्मली चेंज इन पीएसआर में एप्लीकेबल होता है, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। ट्रीटमेंट नंबर टू क्या है, विदाउट ओपनिंग वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड ऑल्टर्ड रिवैल्यू फिगर, मतलब देखो वैल्यू चेंज नहीं करनी, वैल्यू बदलनी नहीं है नई वाली बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, जब रिवैल्यूएशन नहीं बनाओगे तो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, जब डेबिट क्रेडिट नहीं होगा तो बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ेगा, ना एसेट लायबिलिटी बढ़ा के लिखोगे ना घटा के लिखोगे, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड नहीं करोगे, बात खत्म हो जाती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना नहीं रहे। ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर में होता है, इसका अलग से 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट लॉस निकालना है, बस यही अकाउंट नहीं है। एक तरफ मैंने लिख दिया प्रॉफिट, दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया लॉस, जितने प्रॉफिट थे पॉजिटिव फिगर, जितने भी लॉस थे नेगेटिव फिगर करके लिखो, एट द एंड पॉजिटिव बचे तो प्रॉफिट, नेगेटिव बचेगा तो वो लॉस होगा। फिर इस प्रॉफिट लॉस को क्या करोगे, ओल्ड और न्यू में बांट दोगे, बात खत्म। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सैक्रीफाइस, सैक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगेगा, पैसा। इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर रिवैल्यूएशन। अब सामने वाला बंदा है तो पैसा देगा या नहीं देगा, प्राइवेटली पेमेंट पैसा लेकर आएगा, नहीं तो G2S लगवाएगा, बात क्लियर हो गई नहीं हुई, सिंपल है। ये तो रिवैल्यूएशन बनाओ, और नहीं बना रहे तो सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट लॉस निकालो, ओल्ड में बांटो और ट्रीटमेंट करो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में अगर ये नहीं कहता ना कि इन तीनों में से कौन सी एंट्री लगेगी, तो हमेशा G2S लगाया करो, ये लगाया करो G2S, कहीं पर भी जहां पर तुम ये वाले ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, रिजर्व में, गुडविल में, नहीं बता रहा ना कौन सी एंट्री लगनी तीनों में से, तो G2S गेनिंग टू सैक्रीफाइस, क्लियर ही नहीं है। ये था हमारे ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ वर्क में कंपनसेशन रिजर्व या वर्क में कंपनसेशन फंड, बात एक ही है। देखो सीधी सीधी बात है, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व है, वर्क में कंपनसेशन फंड है, ये रिजर्व है, रिजर्व नॉर्मली बढ़ जाता है, पुराने रिजर्व पुराने पार्ट है पुराने रेशो बार, सीधी सीधी कहानी है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन कई बार आपको ना वर्क में कंपनसेशन क्लेम मिलेगा बैलेंस शीट के बाहर, कि वर्कर आपसे क्लेम कर रहा है, वर्कर आपसे पैसा मांग रहा है। तो देखो वर्कर अगर आपसे पैसा मांग रहा है, जैसे आप देखें ना वर्कर आपसे क्लेम कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो वर्कर पैसा मांग रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, और ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। अब रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी का बढ़ना होगा लॉस, और लॉस क्या होता है रिवैल्यूएशन में डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क में कंपनसेशन। ये लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में खर्चे बन गए डेबिट, और पे नहीं करा तो बन गई लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, इतने रुपए 5-5, क्लियर ही नहीं है। लेकिन इस लायबिलिटी से निपटने के लिए हम ये रिजर्व ये गुल्लक बना सकते थे, अभी फिलहाल यहाँ पे गुल्लक नहीं थी, यहाँ गुल्लक नहीं थी ना, तो ये लायबिलिटी ये लॉस कहाँ पे गया, रिवैल्यूएशन में गया, क्लियर नहीं है। अगर ये गुल्लक होती तो ये रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं जाता। देखो केस बी देखना, यहाँ पर मैंने बना रखा है, मैंने यहाँ पर वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, मैंने गुल्लक कितनी ले रखी है यहाँ पर, 20,000 रुपए की गुल्लक ले रखी है। कितने रुपए की गुल्लक ले रखी है मेरे बेटे जी, मैंने यहाँ पर 20,000 रुपए की गुल्लक ले रखी है मैंने यहाँ पर, क्लियर ही नहीं है। कितने रुपए की, 20,000 रुपए की गुल्लक ले रखी है। मैंने लिखा है अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है रिगार्डिंग क्लेम, मतलब वर्कर कितना क्लेम मांग रहा है कुछ भी गिवन नहीं है, तो ठीक है ना, कोई गिवन ही नहीं है तो रिजर्व का यूज ही नहीं हुआ, तो पुराने रिजर्व पुराने पार्ट पुराना रेशो बांट दो। तो मैंने WCR लायबिलिटी है, लायबिलिटी होती क्रेडिट, खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया डेबिट, बोलो आएगा, और बांट दिया ए और बी में बांट दिया इनके ओल्ड रेशो में, कुछ करना नहीं था। लेकिन अगर वर्कर ने क्लेम मांगा है, ये गिवन है, वर्कर क्लेम कितना मांग रहा है 15,000। अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ, वर्कर क्लेम 15,000 मांग रहा है, ये तुम्हारा लॉस है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए गुल्लक है हमारे पास। तो याद रखना मैंने एक चीज सिखा रखी थी कि अगर कोई लॉस किसी रिजर्व से कवर हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अगर कोई लॉस किसी गुल्लक से खत्म हो रहा है, किसी रिजर्व से खत्म हो रहा है, तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई कि हो गई, बोले बड़ा बड़े आइए ना, अगर कोई लॉस, ठीक है, क्लियर ही नहीं है। अब इधर देखिए, ठीक है, अब इधर देखिए,
यार कि अब आपके पास गुल्लक में कितने रुपए, 20,000, वर्कर कितने मांग रहे हैं, 15,000, तो बड़े प्यार से हम क्या दे देंगे, वर्कर को दे देंगे, हाँ है ना, गुल्लक में इनफ रुपया है, अभी भी गुल्लक में कितने बचे रहे, 5, वो पार्ट से बांट देंगे। तो देखो एंट्री है WCR है लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया डेबिट, क्या करते मेरे बच्चे, हमने इसे डेबिट कर दिया, क्लियर ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इस लायबिलिटी में से पहले 15,000 अलग करो इस रिजर्व में से, लायबिलिटी के नाम से प्रोविजन और वर्कमैन कंपनसेशन मुझे वर्कर को देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट में नजर आएगी क्योंकि अभी दिए नहीं है, गुल्लक में से अलग कर रहे हैं हमने बस। और गुल्लक में से 20 - 15 कितने बचे थे मेरे बेटा जी, 5, वो ए और बी में पार्टनर्स में बांट दिए इनके रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, आया या नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। चले आगे, अब मान लो वर्कर कितने मांग रहा है मेरे बेटा जी, वर्कर मांग रहा है 20,000 रुपया, वर्कर मांग रहा है 20, गुल्लक में कितने, अब ये वर्कर 20 मांग रहा है, ये लॉस है, ये रिजर्व, ये लॉस है, ये रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास गुल्लक है, गुल्लक में कितने रुपए है 20 और वर्कर कितने मांग रहा है 20, तो पूरा पैसा खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तो WCR ये देखो, WCR लायबिलिटी क्या है क्रेडिट, सॉरी WCR लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है क्रेडिट, खत्म होने का डेबिट 20 और ये पूरा 20 मेरा क्या बन जाएगा लायबिलिटी बन जाएगा, मतलब मुझे वर्कर को देने हैं, बात यहाँ कुछ बचा नहीं तो पार्टनर्स में बचा नहीं, यहाँ बच रहा था तो बांटते हैं, बचे नहीं तो छोड़। अब वर्कर कितने मांग रहे, 25 मांग रहे, गुल्लक में कितने 20, तो वर्कर से खाली, रिजर्व से खाली हम 20 ले सकते हैं, वर्कर को देने हमें 25 है, लायबिलिटी बनी हमारी 25 की है, 25 की लायबिलिटी 20 के रिजर्व से कवर हो रही है, 5 अभी भी लॉस है। अब ये जो है ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, जितना कवर हो रहा है ठीक, जो कवर नहीं हो पा रहा है, जो कवर नहीं हो पा रहा है वो रिवैल्यूएशन में, अब रिवैल्यूएशन में होने वाले प्रॉफिट लॉस तो पार्टनर्स में बटेगा ही, मैंने देखो बांट के दिखा दिया है, रिवैल्यूएशन है डेबिट, हटाने के लिए कर दिया क्रेडिट और ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, क्लियर है। अब आता है ये वाले ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFR और IFF, IFR और IFF बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब इधर देखिएगा जरा मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा बैलेंस शीट, देखो IFR पहली बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तुम्हें तभी मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो ये दिखा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो नहीं होगा। देखो या तो ये दोनों मिलते हैं या खाली ये मिलता है, समझ रहे, या ये अकेला मिल सकता है लेकिन ये अकेला कभी नहीं मिलेगा, समझ गए मेरी बातों को, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव जो होते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई घट गई इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना घटना कहाँ डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन में, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो ये अच्छा लगता है, एसेट बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट घट रही है तो ये बुरा लगता है, इन्वेस्टमेंट घट रही है तो ये हमें बुरा लगता है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट घट रही है तो हमें क्या लगता है मेरे बेटे जी बुरा लगता है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो ये कम हो रही है, इसके लॉस को निपटने के लिए ये बनाते हैं रिजर्व, आया नहीं आया, अगर कम होती प्रॉफिट के लिए नहीं लॉस के लिए। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने क्या दिया है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू, क्लियर नहीं है, पलक है क्या, पलक गई, मुझे एक गिला एक बोतल पानी दे दोगे यार, ठीक है थैंक यू। नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू की मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है घटी है कुछ भी नहीं बता देगा, तो ना बढ़ी ना घटी ना प्रॉफिट ना लॉस, IFR क्या कर दोगे पार्टी से बांट दोगे, IFR है लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के कर दोगे डेबिट और पार्टी में बांट दिए ए और बी में उनके रेशियो में, 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दिए 12:8, बात क्लियर होगी नहीं होगी। दूसरा अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 1,00,000, इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की थी 1,00,000 की और मार्केट वैल्यू भी कितनी हो गई है 1,00,000 ही हो गई है, ना बड़ी ना घटी, अगेन क्या करोगे सेम है सेम, ना बड़ी ना घटी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 1,20,000, ठीक कितने की 1,00,000 की 1,20,000 हो गई, ये तो बढ़ गई है ये तो प्रॉफिट है, ये इसका यूज कहाँ पर है लॉस में, प्रॉफिट में यूज नहीं है, तो पहली बात इसको तो सीधे सीधा बांट दो, ये देखो बी में इसमें पहली एंट्री इसको बांटने की एंट्री, फिर इसके प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट क्या रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन में, इन्वेस्टमेंट है ऐसे प्रॉफिट क्या होता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कर दोगे डेबिट, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट क्या होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट को कर दोगे डेबिट 20,000 और रिवैल्यूएशन के होने वाले प्रॉफिट को क्या करोगे पार्टनर में बांटोगे, प्रॉफिट है क्रेडिट हटाने के लिए करा डेबिट और पार्टनर में बांट दी ए और बी में, आ गया ये तीन एंट्री सिर्फ यही बननी है,
अब आगे चलते हैं, अब देखो ठीक है, देखो अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 90, इन्वेस्टमेंट खरीदी कितनी कितनी 1 लाख, अब 1 लाख से 90 हो गई है, मतलब कम हो गई है, मतलब 1 लाख से कितनी हो गई है बेटा जी, 90 हो गई है जी, कम हो गई है, कितनी कम हो गई मेरे बेटा जी, सीधी 10,000 की लॉस है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए बट जाएगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या गुल्लक है, गुल्लक में कितने रुपए 20, तो 20 की गुल्लक से 10 का लॉस कवर हो जाएगा, हो जाएगा तो कर दो। IFR लायबिलिटी में लायबिलिटी है, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट IFR, इस 20 में से पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी 10, अब इन्वेस्टमेंट 90 की दिखेगी नई वाली बैलेंस शीट में, और जो 20 का डिफरेंस है अभी गुल्लक में कितने बच रहे हैं, 20 में से 10 कवर करने के बाद गुल्लक में 10 बच रहे हैं, पार्टीज में बांट दिया उनके 3:2 के रेशियो में आया। अब मान लो मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई है 80, इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी थी 1 लाख की, 1 से 80 हो गई है, 1 लाख से 80 हो गई है वैल्यू, बोलो हाँ या ना, क्या होगी, ये भी लॉस, कितने का लॉस 20 का, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, जाएगा नहीं, क्योंकि यहां लॉस है 20 का और 20 को कवर करने के लिए हमारे पास 20 का गुल्लक है, तो IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म, यहां कुछ बचा नहीं तो कुछ बढ़ेगा नहीं, लेकिन अब क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट में कितनी हो गई है 70, 30 कम हो गई है, लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, जाएगा जाएगा, क्योंकि लॉस 30 का है और गुल्लक 20 की है, तो गुल्लक से खाली 20,000 तक का लॉस कवर हो सकता है, 10 का लॉस कवर नहीं हो सकता है इस वाले केस में, तो IFR डेबिट 20 का लॉस कवर, रिवैल्यूएशन डेबिट 10 का लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो 30 से कम हो गई, और ये लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, डेबिट को हटाने के लिए अगर क्रेडिट और ए और बी में उनके रेशियो में बांट दिया। तो ये था हमारा पूरा सिलसिला, सारे ट्रीटमेंट हमने रिकॉल कर लिए हैं A to Z, हमने सारे ट्रीटमेंट रिकॉल कर लिए हैं, बात क्लियर हो गई, ठीक है। इनमें मुख्य पॉइंट क्या है, इसमें मुख्य पॉइंट देखो, पहला आता है यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट, क्लियर ही नहीं है, मुख्य पॉइंट दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट है, और याद है ना आना कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होता है ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक आता है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। देखो न्यू पार्टनर सबसे आसान है, उसमें होता क्या है, जब नए वाला बंदा कितनी कैपिटल ला रहा है और नए वाला बंदे का शेयर कितना है, तो समझ जाना कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू, नए वाले बंदे की कैपिटल पता होगी हमें, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, बेटा क्वेश्चन के किसी न किसी पॉइंट में आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल, एडजस्ट देयर कैपिटल, कैलकुलेट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, वो कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं नए वाले पार्टनर के बेस पर, पुराने वाले पार्टनर के बेस पर, न्यू रेशियो में, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, समझ गए। अब तुम्हें बस पता ये लगाना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर है या ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, तुम्हें ये पता लगाना है। अब ये पता तुम कैसे लगाओगे, तो सीधी सीधी कहानी यहाँ पर आके टकती है भैया, ये तुम कैसे पता लगाओगे, जब तुम्हें ना नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन है तो ऑन द बेस ऑफ ओल्ड, और नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन नहीं है तो ऑन द बेस ऑफ न्यू, बस सीधी सीधी बात समझ लेना, बात खत्म, और कुछ नहीं है। न्यू के बेस पर ओल्ड को फाइंड करते हैं, ओल्ड के बेस पर न्यू को फाइंड करते हैं, ये होता है, बात क्लियर हो गई। एक बात और बताता हूँ हिडन गुडविल के बारे में, बेटा पता है हिडन गुडविल में ज्यादा कुछ मत करना, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। देखो क्वेश्चन में ना जो नई वाली गुडविल है, जो बैलेंस शीट में बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है, उस वहां पर गुडविल नहीं दे रखी होगी तुम्हें, फर्म की गुडविल, किसी पार्टनर की गुडविल, गुडविल को निकालने का मेथड कुछ भी नहीं बता रखा होगा तुम्हें, लेकिन गुडविल निकालनी है, गुडविल की चर्चा जरूर कर रही होगी, तो समझ जाना हिडन गुडविल है, समझ जाना हिडन गुडविल, चर्चा कर रही होगी गुडविल की, क्लियर है नहीं, हाँ ये ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नॉर्मली चलता है ना वैसे चलने देना, जैसे यहाँ पे मैंने रिवेल्यूशन नॉर्मल बनाया है ना, पार्टिसिपेंट को बनाया BCGRE योगा कोड लगाकर, क्या करा जितनी चीजें थी, देखो BC सारा लगा, गुडविल वाला नहीं लगा पाओगे, गुडविल ओल्ड गुडविल कर सकते, न्यू गुडविल नहीं कर सकते, बस याद रखना पूरा कंप्लीट सीडी नहीं करना होता हमें, हमें क्या करना है देखो, ठीक है,
देखो हमें क्या करना है, जैसे ना इस क्वेश्चन में इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, आपने ना ये बी सी जी आर ई में ये तीनों एंट्री लग गई होंगी, तो तुम पता क्या करो, इन तीनों का डी आर ए का रफली सीडी निकाल लो, बस रफली सीडी, रफ सीडी। अब देखो कैसे निकालते हैं, पहला स्टेप होता है फाइंड फर्म की कैपिटल, क्या करते हैं फर्म की कैपिटल फाइंड कर दो ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे निकालते हैं, जो नया वाला पार्टनर है ए इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये होता फॉर्मूला हमारा, क्लियर नहीं है? ठीक है, तो हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फिर निकालते हैं फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल, इस वक्त कितनी कैपिटल है, तो जो तुमने रफ सीडी निकाला होगा ना, यहाँ से जो रफ सीडी निकाला होगा उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, रफ सीडी को दिस 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 ये आ जाते, फिर ओ स्टेप वन माइनस स्टेप टू करते तो गुडविल आ जाती, ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब एक बार फर्म की गुडविल मिल जाए फिर तुम्हें पता क्या करना है, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो, कोई करेगा गेन कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, बस इतनी सी बात करनी है और कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पर, बात क्लियर हो गई? देखो ये रहा हिडन गुडविल, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, सीधी बात है, फाइंड आउट फर्म कैपिटल ऑन द बेस ऑफ, फाइंड आउट फर्म कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, नए वाले पार्टनर के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालो। तो मैंने इसका फॉर्मूला समझाया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी तो कैसे निकालोगे, तुमको बड़ा आसान है, फर्म की कैपिटल में सबकी कैपिटल होती है, फर्म की भी होती है, मतलब बंदे सारे बंदों की कैपिटल होती है, तो फर्म की कैपिटल में अगर मैं नए वाले बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। तो सी की कैपिटल मुझे गिवन है, मान के चलो 50,000 रुपये, फर्म की मुझे पता नहीं है निकालनी है, न्यू सी का शेयर मतलब 1/5, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/1, ये 5 1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/1, तो फॉर्मूला क्या बना, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये बात समझ में आ गई? तो पहले स्टेप तो हमारा क्या है, नए वाले बंदे के बेस पर फर्म की कैपिटल निकालो, फिर क्या है फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालो, एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस नए वाले बंदे की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड कर पाओगे, आफ्टर ओल्ड एडजस्टमेंट, सॉरी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब मैंने बोला ना बी सी जी आर यू जितनी एडजस्टमेंट कर सकते हो सारी एडजस्टमेंट लगा देना, और रफ सी डी, सी डी फेयर मत करना, सी डी निकाल देना रफ, गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले जो सी डी आ रहा है वो निकाल देना, बस बात क्लियर हो गई? स्टेप वन मैंने स्टेप टू कर देना, बात खत्म, तुम्हारी गुडविल निकल के बाहर, क्लियर ही नहीं है? ये कंप्लीट बातें हुई हमारी, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं सीधे सीधे बताइए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट कैपिटल एडजस्टमेंट एक एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया था, क्लियर ही नहीं है? और सीधा सोल्व क्वेश्चन को करेंगे, पहले बता के चल रहा हूँ जिससे हमें समय हम बचाएं अपना, करने में लगाएंगे तो आधा आधा घंटा एक एक क्वेश्चन में जाने वाला है हमारा, बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई, चलिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।